एकदम सिंपल सी छोटी सी बिल्डिंग है, दो फ्लोर्स की. अब मेरा इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर आप आ रहे हो सेंट क्लेयर कॉलेज में. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन. तो आज हम आए हैं सेंट क्लेयर के रिवर साइड कैंपस की तरफ. आज हम एक्सप्लोर करेंगे रिवर साइड कैंपस को. तो बेसिकली यहाँ पे चार बिल्डिंग्स है रिवर साइड कैंपस की. एक मुझे लगता है एक आर्ट्स है, एक बिजनेस है और दो बिल्डिंग्स कुछ और है. तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, देखने को स्टूडेंट है, देखने को हमें हेल्प कर सकता है इसको फिगर आउट करने में कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है और आप कैसे नेविगेट कर सकते हो. सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो मुझे इस कॉलेज का लगा कि ये डाउनटाउन कोर में है, मिनसर के डाउनटाउन कोर में है और रिवर साइड वगैरह बिल्कुल सामने ही है. तो मैं आपको रिवर साइड के भी दो तीन शॉट्स लगाऊंगा कि कहाँ पे वो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कॉलेज के आसपास के सराउंडिंग्स वगैरह कैसे हैं. जहाँ पे आपकी बसेस वगैरह सारी रुकेंगी और इसके एकदम सामने जो है ये पार्किंग लॉट है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती है. एकदम मेरे सामने आप देख रहे हो विलियम्स फ्रेश कैफ़े सेंट क्लेयर कॉलेज. इसके अंदर आप जब जाओगे आपको एक स्टडी एरिया मिलेगा जहाँ पे आप पढ़ाई वगैरह कर सकते हो. मैं आपको लेके चलता हूँ. तो ये वाला साइड है सारा स्टडी के लिए और इसके एकदम सामने कैफ़े है जहाँ पे आपको थोड़ी सी खाने वाने की चीज़ें मिलेंगी. इसके सीधे ही आगे बढ़ते हुए मैंने जो सिक्योरिटी से जब बात की थी उन्होंने बोला कि इसके ऊपर क्लासेस हैं, क्लासरूम्स हैं और यहाँ पे भी क्लासरूम्स हैं. इस वाले सेक्शन पे हमारे पीछे जो आप देख रहे हो इस सारे साइड पे क्लासरूम्स वगैरह हैं. आपको अभी क्लासरूम्स मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आज संडे है तो क्लासरूम्स बंद है, लेकिन हाँ दिस इज़ व्हाट यू विल गेट इन द नेम ऑफ. अच्छा तो गाइस, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की थी लेकिन क्या है ना, हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता. तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे आपको बता सकते हैं लेकिन वैसे कैमरा पे नहीं हम आना चाहते हैं फॉर सम रीज़न. तो हाँ अभी देखते हैं, कोई ना कोई तो एक आधा तो तैयार होगा जो हमें कैमरा पे कुछ ना कुछ बोलेगा कॉलेज के बारे में. ऐसा क्या है इस कॉलेज के बारे में जो मुझे कोई कैमरा पे कुछ नहीं बोलना चाहता. आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट क्यूरियस नाउ. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा वो वाला कैंपस मैंने, वो वाला साइड बिल्डिंग आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दी है. तो अब हम इस साइड पे जा रहे हैं इसके एकदम फ्रंट साइड पे. यहाँ पे भी आप देखोगे क्राइसलर का एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है क्राइसलर की. उसके सामने ही ये सारा सेंट क्लेयर कॉलेज की ही ये बिल्डिंग है. तो ये एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इस बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे आपके कौन से प्रोग्राम्स वगैरह हैं या यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. कॉलेज के एकदम सामने हूँ मैं, ये सामने वाली बिल्डिंग है कॉलेज की और ये इसकी एंट्रेंस है सेंट क्लेयर स्कूल ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे मुझे लगता है बिजनेस के रिलेटेड सारी स्टडीज़ होती होंगी. पता नहीं खुला है बंद है, आज बंद है लगता है. मैंने वर्स्ट डे चूज़ किया आने का, लेकिन दिस इज़ बेसिकली सेंट क्लेयर स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एकदम डाउनटाउन के कोर में है ये. तो आसपास आपको ये ऐसे होटल्स वगैरह दिखेंगे. मुझे लगता है वहाँ पे इसकी शायद एंट्रेंस हो सकती है, देखते हैं. ऑलराइट गाइस, सो आई मेट समवन हियर हु इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर बट ही इज़ इन अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर. हिज नेम इज़ आर्यन. सो आर्यन,
Are you comfortable in Hindi, English? I'm comfortable. Okay. Well, let's. So my YouTube channel is basically in Hindi. Yeah, let's. So we can. Yeah, let's. अच्छा आप पंजाब से हो, आप बोल रहे थे मुझे पंजाब से. हम बातें कर रहे थे ऑफ कैमरा कि लाइक मैं कश्मीर से हूँ तो he has been to Kashmir. Yeah, it's a very beautiful place. हाँ, बड़ी सही जगह है. हाँ. तो you study in University of Windsor, ये वाला campus. Yeah. ये वाली building यहाँ पे जो यहाँ पे downtown. ऐसा ऐसा है कि हम मेरी मास्टर में पढ़ते हुए जगह. Technically मेरी classes वहाँ लगी थी. Main campus. हाँ. But they make you come here for some reason. अच्छा. Which is not nice. Maybe. क्योंकि this is for environmental studies and all. And it's a very small building. Yeah, it's very small, and the professors are also like not happy with this. Okay. Classrooms are not that good. Okay. So, but your program is what? Master in Applied Computer. Master in Applied Computer. Yeah, it's a very famous program. Yeah. What did you do back in India? I did my bachelor's. Bachelor's in Computer Science. Computer Science. Yeah, then I worked for like 2 years. Okay. Yeah, 2 years. And how long have you been living in Windsor? It's been like 4 months. Like I completed one semester and like now started with the second semester. Okay, great. So, almost two semesters. नहीं नहीं मेरी ऑलरेडी स्टडी कम्प्लीट हो चुकी है. हाँ, आई ऑलरेडी गॉट माय बीआर एंड एवरीथिंग. अच्छा. नाउ माय प्लान इज टू एक्सप्लोर एवरी सिंगल कॉलेज. मेक सम यहाँ नहीं पढ़े? नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ा. मैं अल्गोनक्विन कॉलेज में पढ़ा हूँ, ऑटावा. हाँ, तो अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अलग अलग कॉलेज. इनमें से आज मैं सेंट क्लेयर कॉलेज एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने देखी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी एक है यहाँ पे, तो बस आर्यन से मुलाकात हो गई. मैं जा रहा था जरा. हाँ, और मैंने इनको रोक दिया और हमारी बात शुरू हो गई. बढ़िया. दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द कॉलेज, अबाउट द यूनिवर्सिटी. सॉरी, नॉट अ रियली ग्रेट बिल्डिंग. या इट्स लाइक फाइन मैन, इट्स नॉट दैट गुड. या बट इफ यू गो इन द मेन बिल्डिंग, इट्स एक्चुअली नाइस. ओके. आई विल मेक अ होल वीडियो अबाउट दैट. सो होपफुली. या ऑलराइट गाइस, तो हम वीडियो को कंटिन्यू कर देते हैं. हम मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्कूल की जो ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस. इसके अंदर जाने की मैं कोशिश कर रहा था अभी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे जाते हुए ये बंद है. मैं आपको दिखाता हूँ. ठंड है आज काफ़ी. ये है इंटीरियर, आपको सेंट क्लेयर कॉलेज वहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बंद है. इसकी दूसरी एंट्रेंस ही है. और आपकी जो फैकल्टी के ऑफिस है वो इस साइड पे मिलेंगे. ऑलराइट गाइस, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग सेंट क्लेयर कॉलेज सेंटर फॉर आर्ट्स की है. यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे शादियाँ वगैरह होती हैं. हॉल्स है काफ़ी सारे अंदर. मैं एक आधे इवेंट में गया था, उसके मैं कुछ क्लिप्स लगा दूंगा. तो जो भी लाइक फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं, राइट इन फ्रंट ऑफ इट आपको मिलेगा रिवर साइड, बेसिकली डेट्रॉयट रिवर. मेरे सामने अब आप देख रहे हो, मेरे पीछे एकदम डेट्रॉयट रिवर है. और बहुत सुंदर है यहाँ से. आपको ना शाम को अगर आप वॉक करने के लिए आओगे या साइकिलिंग करने के लिए आओगे या कुछ भी एक्टिविटीज़ करने के लिए आओगे, तो उसके लिए जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. अभी फॉल सीज़न है तो इसकी वजह से तो और ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. तो ये इसकी सामने पार्किंग लॉट है, और इसके एकदम सामने आप वो बिल्डिंग्स अगर देख रहे हो, वो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, वो जनरल मोटर्स की हैं, और मेनली सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे किसी ना किसी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की है. ये आपको व्यू मिलता है एकदम सामने. वो है डिपार्टमेंट आर्ट्स का. ये क्राइसलर की बिल्डिंग, वो यहाँ का सबसे बड़ा कैसीनो है आई गेस. अच्छा, तो हम कॉलेज के अगली बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है मीडिया प्लेक्स आई बिलीव. तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बेसिकली आपके स्पेशल कुछ प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, और आई गेस कुछ वीडियो मेकिंग वगैरह जो भी है ना, वो आप ऑनलाइन देख लेना. लेकिन आपको मैं ले जाता हूँ अपने साथ, और रास्ते में देखो आपको यहाँ से ये स्ट्रीट देखने को मिलेगी. स्ट्रीट काफ़ी सुंदर है. एकदम सामने आपके कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह, जापनीज रेस्टोरेंट्स एकदम सामने आपके हैं, और ये होटल है. मतलब जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि रात को यहाँ पे शायद रौनक अच्छी होती होगी इस स्ट्रीट पे, लेकिन दिन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेड होता है. आई बिलीव ज़्यादातर बस स्टूडेंट्स ही होते होंगे,
और इसके आसपास पार्किंग लॉट्स वगैरह हैं, ये इसके सामने एकदम पार्किंग लॉट्स हैं, और ये आई थिंक सेंट क्लेयर कॉलेज की वो वाली मीडिया प्लेक्स वाली बिल्डिंग है, नहीं इसके सामने जो है ये वाली बिल्डिंग के मीडिया प्लेक्स की बिल्डिंग, और जो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है सेंट क्लेयर डाउनटाउन कैंपस वाले का SRC सेंटर। तो बेसिकली जो मैं आपको कल बता रहा था कि SRC स्टूडेंट रेजोल्यूशन सेंटर होता है, यहाँ पे आप अपने कुछ भी क्वेरीज वगैरह वो लेके जा सकते हो। और ये एकदम सिंपल सी छोटी सी बिल्डिंग है, दो फ्लोर्स की ऐसी दिखेगी आपको ये बाहर से। तो अगर आप यहाँ अंदर जाओगे यहाँ पे आपको टाइमिंग्स वगैरह दिख जाएंगी, तो इनकी टाइमिंग्स ये हैं एज ऑफ जनवरी 2023। देखते हैं अंदर, पूछते हैं इनसे सर्विसेज वगैरह ये क्या प्रोवाइड करते हैं और आपको अपने साथ अंदर ले जाते हैं। लैब की तरह है, कंप्यूटर स्टूडेंट लैब, तो आप आ सकते हो अपने सारे असाइनमेंट्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हो और ऐसे ही चिल कर सकते हो, बैठ के प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हो। मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो आपके बस पासेज या ट्रांजिट के रिलेटेड जो भी इशू है आप यहाँ आके वो इनको विजिट करके वीक डेज में आप वो फिगर आउट करवा सकते हो। वो है मेरे पीछे मीडिया प्लेक्स की बिल्डिंग। मैं अंदर जाने की मैंने पूरी कोशिश की, सारे दरवाजे बंद है, आज संडे है तो मुझे लगता है इसलिए सब कुछ बंद है, तीन ही प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं इधर, तो मज़ा नहीं आ रहा। मतलब इस कॉलेज की वो फील नहीं है जो आपको ना जो आपको दूसरे जो मेन कैंपस की फील आती है, इस वाले कॉलेज में वो फील नहीं है। सब कुछ काफ़ी डल सा लग रहा है, स्टूडेंट्स नहीं है, वो हलचल नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। तो क्या हो गया, संडे है आज, अगर आप अभी मेन कैंपस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 10 एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, कॉलेज खुला मिलेगा, लोग मिलेंगे, तो आपको वो फील आती है कि कॉलेज में आप बहुत बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो। लेकिन अब मेरा इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर आप आ रहे हो सेंट क्लेयर कॉलेज में, तो मेक श्योर आप ऐसा प्रोग्राम भी चूज़ करो, अगर आपको ऐसी प्रेफरेंस है कि आप चूज़ कर सकते हो दो में से, तो आप मेन कैंपस जो कि विंडसर कैंपस है वो चूज़ करना, ना कि रिवर साइड कैंपस, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट ओपिनियन अगर आप मेरा सुनोगे। और मैंने स्टूडेंट से भी पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ मेन कैंपस अच्छा है, मेन कैंपस अच्छा है। तो ये है मेरा फाइनल रिव्यू बेसिकली इसका। आप देखते हैं कोई और बिल्डिंग है भी क्या इसकी, और अगर हुई तो आपको वो एक्सप्लोर कराते हैं, अगर नहीं हुई तो फिर विद दिस वील एंड आवर वीडियो एंड होपफुली यू लाइक इट एंड बाय। वो आज की कॉलेज की